दीवान साहब क्या कर रहे हो? मैं रीडिंग कर रहा हूँ मम्मा। आज हमारे घर में तुअर की दाल बच गई है, तो क्या बनाऊं मैं उसका? तो उसका मम्मा मेरी फेवरेट दाल ढोकली बना दो ना, प्लीज प्लीज मम्मा बना दो ना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा, आपके अपने चैनल नेहा दीप की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे घर में सुबह मैंने दाल बनाई हुई थी तुअर की, वो बच गई, तो आज मैं इसका यूटिलाइज आपको बताने वाली हूँ। वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है इसकी। एक कटोरी मैंने आटा लिया हुआ है, ये आटा गेहूं का है, नॉर्मल आटा जो हम डेली यूज़ करते हैं ना घर में, ये वही वाला आटा है मैंने लिया हुआ है। एक कटोरी और मैंने आटा लिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने एक कटोरी मैंने बेसन लिया हुआ है, दो कटोरी आटा लिया हुआ है, एक कटोरी बेसन है, थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली हुई है, इसको हाथों से इस तरीके से हमें क्रश करके इसके अंदर डालना है, तो उसका फ्लेवर उबर के आता है। फिर आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, आधी चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया हुआ है, थोड़ा सा मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया हुआ है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसका हमें जैसे हम रोटी बनाते हैं ना सेम वैसे ही है, ऐसे तो हमें सॉफ्ट सा डो बना के रेडी करना है, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं। आप देख सकते हो हमारा सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो गया है, तो इसको हमें 10 मिनट के लिए ऐसे तो ऐसे ही रख के रख देना है। आप देख सकते हो ये हमारी दाल जो बच गई थी। फिर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई हुई है, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल के डाले हैं, और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। आप देख सकते हो तेल हमारा गर्म हो गया था, तो इसके अंदर मैंने राई डाली हुई, राई को अच्छे से चटकने देते हैं। इसके बाद मैंने जीरा डाला हुआ 1 चम्मच, उसको भी चटकने देते हैं। कुछ लहसुन की मैंने टुकड़े काटे हुए थे, उसको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके बाद फिर मैंने एक बड़ी हरी मिर्ची ली हुई थी, उसको भी मैंने कट किया हुआ था, बारीकी से चॉप किया था, उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा अनियन लिया हुआ था, उसको भी मैंने बारीकी से चॉप किया था, उसको भी इसके अंदर हमें डाल देना है। और इसके बाद मैंने आधी कटोरी सींग के दाने लिए हुए हैं, उनको भी इसके अंदर हमें डाल, सारी चीज़ों को अच्छे से मध्यम आँच में हमें पका लेना है। आप देख सकते हो मध्यम आँच में मैं धीमे धीमे से इनको अच्छी चीज़ों पका ले रही हूँ फ्रेंड्स। अब फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है इसके अंदर, फिर हल्दी पाउडर डाला हुआ है इसके अंदर, आधी चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला हुआ है, आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला हुआ है, और थोड़ा सा पानी डाला ताकि जो हमारे मसाले हैं ना अच्छे से भुन जाए, तली में जले नहीं। उसके बाद मैं आधी चम्मच मैंने गरम मसाला डाला हुआ है, फिर जो हमारी दाल बची हुई रखी थी ना सुबह की तुअर की, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। आप देख सकते हो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। पानी की मात्रा थोड़ी हमें बढ़ा देनी है, 1 कप भर के मैंने इसके अंदर पानी डाला हुआ है। आप देख सकते हो 1 कप और डाला हुआ है मैंने पानी इसके अंदर, और इसकी आँच को लो टू मीडियम के बीच में हमें रख देना है। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच शुगर डाली हुई है, और उसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं दाल को। जब तक देख लेते हैं हमारा डो, डो को मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड किया हुआ इस तरीके से, आप देख सकते हो जिस जैसे में रोटी बनाते हैं ना हम, उसी तरीके के जो हमारी लोई पेड़े आप जो भी बोलते हो हमें ऐसे तेज बना लेने हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से हमें बना लेने। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारे गुजरात की ट्रेडिशनल डिश है, एक तो हमारी तुअर की दाल का यूज़ भी हो जाता है, कि बची हुई दाल का सिर दर्द होता है कि क्या ही करें, इसका लास्ट में फेंकना ही होता है। ये जो हमारी मैंने रोटी बेली हुई ना आप देख सकते हो, तो ये ना ही ज़्यादा हमें पतली रखनी होती है ना ही ज़्यादा मोटी रख, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना सेम ऐसे तेज हमें ऐसे ही बेलना है। फिर आप देख सकते हो हमें इसको स्क्वायर शेप में इस तरीके से कट कर लेना है सारे छोटे छोटे टुकड़ों में। हमारे गुजरात की ये ट्रेडिशनल डिश है, हर घर में ही आपको मिलेगी। दाल तो हमारे हर घर में ही बनती है, तुअर की पर टेंशन होता है बच जाए तो क्या करें, उसका सिर दर्द होता है, लास्ट में हम उसको फेंक ही देते हैं। भाई फेंकना क्यों, इतनी महंगी 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 हमारी दालें आ रही हैं, बनाओ फिर उनको फेंकना, ये तो कहाँ की सही बात है। इसीलिए मैं इसका बहुत अच्छा सा आपके लिए यूज़ लेके आई हूँ, ये हमारे गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप देख सकते हो स्क्वायर शेप में मैंने सारे इस तरीके से कट कर लिए थे, ये आपस में चिपकेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब कढ़ाई में डालेंगे ना हम इनको तो बाद में ये जब इनका टेंशन ना लें, ये तो बाद में कढ़ाई में अलग हो जाएंगे। और इनको हमें मीडियम गैस रखना है, अच्छे से पका लेना है। पकने की पहचान ये है फ्रेंड की, अभी सारे नीचे हो जाएंगे, जब हमारे पक जाएंगे तो सारे ये जो हमारे स्क्वायर शेप में कट किए हुए थे ना हमने इनको, ये सारे हमारे ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से ऊपर आ गए हैं, और हमारी दाल की जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी हो गई पहले से। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड, जो हमारे नींबू के फूल होते हैं ना हमारे गुजरात में मिलते हैं फ्रेंड, से फिटकरी नहीं है सिट्रिक एसिड है। चलिए आप देख सकते हो हमारी दाल ढोकरी बनके रेडी हो गई, खट्टे मीठे का कॉम्बिनेशन है हमारी दाल ढोकरी का।
आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर शुगर भी डाली हुई थी और नींबू के फूल भी, खट्टे मीठे का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आता है कि पूछो ही मत। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप दाल बनाओगे तो मेरा ट्रस्ट कीजिए, तो बच्चे ऐसा ही बोलेंगे आपसे कि मम्मा ऐसा दाल बना के रखो, वही वाली दाल ढोकरी बना दो ना, इतनी अच्छी लगती है कि पूछो ही नहीं। खट्टे मीठे का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, हमारी गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपी है, हमारे घर में तो एक वीक में जरूर बनती। मेरा बेटा मेरे से एक्स्ट्रा दाल बनवा के रखता है कि मम्मा दाल ढोकरी बना दो ना, इतनी पसंद आती है। एक तो हमारी दाल को बिल्कुल फेंकने की ज़रूरत नहीं, बची हुई दाल उसका यूज़ भी हो जाता है और रेसिपी भी बहुत अच्छी बनती है। चलिए मैं मेरे बेटे के पास में लेके जा रही हूँ, उसके लिए एक बाउल में निकाल दिया है मैंने दाल ढोकरी को, उसको टेस्ट करने को बोलते हैं, देखते हैं हमारी दाल ढोकरी कैसी बनी है। कितना हैप्पी हो गया, आप लोगों ने उसका फेस देखा, हाथों में क्या जादू है, मैं वापिस से लूंगा। मम्मा सो यम्मी है आपको बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। आई होप, आशा करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।